सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर आ रहा है, आज मेरी ये पोस्ट साल 2024 में कर्क राशि के वार्षिक भविष्यफल को लेकर है। इसलिए कर्क राशि के लोग इस पोस्ट को जरूर देखें। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नया साल दस्तक देने को है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल पर भरोसा रखते हैं, उन्हें ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि साल 2024 की बंद मुट्ठी में उनके लिए क्या होगा। 2024 की जब बंद मुट्ठी खुलेगी तो कर्क राशि वालों के लिए क्या क्या होगा, उसमें नए साल में वो क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, उनके जीवन में कहाँ सुखद रहेगा, कहाँ दिक्कत आएगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ में कुछ नयापन आएगा या नहीं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर में कौन सा मुकाम हासिल होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, नौकरी लगेगी या नहीं, प्रमोशन होगी या नहीं, परिवार में खुशियों के पल कब आएंगे, घर में शहनाई कब बजेगी, यानी तरह तरह के सवाल जहन में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साल 2024 की जो शुरुआत है वो कन्या लग्न और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होने जा रही है। इस साल ग्रहों के बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, जो 1 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आने के 2 दिन बाद ही वो अस्त भी हो जाएंगे, जिन्हें ज्योतिष की भाषा में तारा डूबना या गुरु तारा डूबना भी कहा जाता है। 3 जून 2024 को वो उदय होंगे। 9 अक्टूबर से वो उल्टी चाल शुरू करेंगे जो 4 फरवरी 2025 तक रहेगी और इसी तरह शनि साल 2024 में अपनी ही कुंभ राशि में गोचर जारी रखेंगे, लेकिन वो वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, यानी उल्टी चाल भी चलेंगे, सीधी चाल भी चलेंगे और उनकी चाल सभी राशियों को प्रभावित करेगी। राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे, जबकि बाकी ग्रह भी समय समय पर अपनी चाल बदलेंगे। पिछले 35 सालों से एस्ट्रोलॉजी पर गहराई से अध्ययन और अर्जित अनुभवों के आधार पर मैंने अपने दर्शकों के लिए सभी 12 राशियों का वार्षिक फलादेश तैयार किया है। आज मैं दर्शकों को बताऊंगा कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। इससे पहले की जो राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, मैं बता चुका हूं और इन राशि वाले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पिछली पोस्टें देख सकते हैं। आज कर्क राशि की बात कर रहा हूं। कर्क राशि वाले लोग इस बात से बेहद खुश हो सकते हैं कि साल 2024 उनके लिए कई उपलब्धियां और कई सौगातें लेकर आ रहा है। कर्क राशि वाले अपने आप को नई एनर्जी से, नई ऊर्जा से, नए उत्साह से लैस महसूस करेंगे। खुशियां आपके पास चलकर आएंगी, उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज होंगी, पैसा कई सोर्सेज से आपको मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि साल 2024 की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के दशम भाव में विराजमान होकर आपके कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। ये जो कुंडली का दशम भाव होता है, ये पिता और राज दरबार स्थान होता है, लिहाजा आपका कैरियर जो है, इसे कैरियर स्थान भी कहते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके भाग्य के बंद दरवाजे 2024 में खुलते चले जाएंगे। 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी इनकम स्थान पर आएंगे तो इनकम के नए नए रास्ते खुलेंगे। कर्म के, धर्म कर्म के मामलों में आपकी खास रुचि बनी रहेगी और आपकी एक अलग पहचान भी बनेगी। और इस साल आप तीर्थ स्थलों की, देव स्थलों की, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे। राहु ग्रह पूरा साल भर आपके 9th हाउस में गोचर करते रहेंगे, जिससे आपका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ बात 2024 में ये रहेगी कि बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह आपके प्रेम भाव में रहेंगे और आपके लव लाइफ में नई एनर्जी आएगी।
आप विवाह के बारे में भी विचार कर सकते हैं। कैरियर के मामले में भी साल 2024 की शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। शनिदेव अष्टम भाव से लेकर दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको समाज में एक अलग पहचान मिलेगी। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। सीनियर ऑफिसर आप पर मेहरबान रहेंगे। कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत बहुत शानदार रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव और दूसरे तथा चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष दृष्टि आप शिक्षा में आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन शिक्षा क्षेत्र में करेंगे। और कर्क राशि वालों से अप्रैल से जुलाई अगस्त फिर नवंबर और दिसंबर ये महीने सबसे शानदार रहने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके आपको जो है परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। लेकिन आपको 23 अप्रैल से 15 जून के बीच पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। इस साल यानी 2024 में बुध और शुक्र आपको लग्जरी लाइफ देने वाले हैं, यानी भौतिक सुख देने वाले हैं, खुशियां देने वाले हैं, वाहन सुख देने वाले हैं, नए घर का सुख देने वाले हैं। आप नई प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में इस साल प्रेम दस्तक देगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, रोमांस के मौके मिलेंगे और आप उत्साह से भरे रहेंगे। कर्क राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कई बार दिमाग की बजाय दिल से फैसले लेने लगते हैं, जिससे कई बार जल्दबाजी भी कर देते हैं। लेकिन अच्छे दोस्त होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उन्हें मझधार में नहीं छोड़ते। साल 2024 कर्क राशि वालों के जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और कई शानदार अनुभव लेकर के आ रहा है। आपके लिए आमदनी के नए नए साधन बनते जाएंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक प्रगति होगी। साल 2023 में आप जिन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए थे वो अब साल 2024 में पूरी होंगी। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, यानी मटीरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ आप जिएंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे और ये साल कैरियर के लिए बहुत ही उन्नतिदायक साबित होगा। इस साल शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होती रहेगी, आपके संपर्क बढ़ेंगे, प्रभावशाली लोगों से आपका अच्छा मेल मिलाप होगा, उठना बैठना होगा, सेहत अच्छी रहेगी। इस साल शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान रहेंगे और समय समय पर आपको समस्याओं से बचाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर परिचय किसी इमोशनल रिलेशन में बदल सकता है और आप उस रिलेशन को कोई नाम भी दे सकते हैं। अगर बिजनेस की बात की जाए तो कर्क राशि के जो लोग बिजनेस क्षेत्र में है उनके लिए ये साल काफी लाभकारी रहने वाला है। शुक्र ग्रह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आप बिजनेस का विस्तार करने में कामयाब रहेंगे। और लव लाइफ की बात करें तो ये साल बहुत ही शानदार है। जो कर्क राशि के यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, उनके जीवन में प्रेम दस्तक देगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कहीं घूमने फिरने का आप अपने पार्टनर के साथ कार्यक्रम बना सकते हैं। और साल 2024 में कर्क राशि के जो अविवाहित लोग हैं उनका मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। जो लोग विवाह का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो शादी के बंधन में बन सकते हैं। कर्क राशि वाले विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का जो सपना संजोए है वो शुभ घड़ी भी आ रही है। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो आप विदेश जा पाएंगे, आप मनचाही नौकरी पा सकते हैं और जॉब में आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट का योग बनेगा। अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे, आपको अपने आप को साबित करने के मौके मिलेंगे, कोई नए मुकाम भी आप हासिल कर सकते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, सरकार की तरफ से भी आपको कोई फायदा हो सकता है। कर्क राशि के विद्यार्थियों को किसी कंपिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो साल 2024 में धन और परिवार के लिए बहुत शुभ है, आपको मेहनत का फल मिलेगा, धन लाभ होगा। मई और जून महीने में आप लग्जरी आइटम खरीदेंगे, परिवार के ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च करेंगे। जुलाई से अक्टूबर तक का समय काफी लाभकारी रहने वाला है। नवंबर दिसंबर का महीना धन से संबंधित कार्यों के लिए बेहद शुभ है। इस साल अगर आप साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहें तो सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। कर्क राशि के जो लोग रियल एस्टेट में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, बागवान हैं, किसान हैं, उनके लिए ये साल बहुत शानदार है।
कर्क राशि वालों को साल 2024 में संतान का पूरा सुख मिलने वाला है। आप ये तय मानिए कि आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी। कर्क राशि वालों को 2024 में एक ही बात का ख्याल रखना है और इस बात को गांठ बांध लेना है, किसी अजनबी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं, अजनबियों पर भरोसा नहीं करना है, उधार देने से बचना है, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है और सोच समझ कर पूरा पढ़ने के बाद ही किसी इंपॉर्टेंट दस्तावेज पर आपने साइन करने हैं, अन्यथा राहु आपको परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर कहें तो साल 2024 कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। कर्क राशि की महिलाओं के लिए तो साल 2024 कई तरह के तोहफे, कई तरह की खुशियां लेकर आ रहा है। आपकी जो टैलेंट है वो उभर करके समाज के सामने आएगी और आपका समाज में एक आपकी नई पहचान बनेगी, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए।